हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, मैं शालू चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माँ के हाथ का स्वाद विद शालू चौधरी में। और आज मैं आपके लिए सावन स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैंने सिर्फ आधा लीटर दूध से ही प्रिपेयर किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये स्पेशल रेसिपी बनाना। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर फुल फैट का दूध और आधा किलो ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है और थोड़े से लिए हैं मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 से 3 इलायची का मैंने लिया है यहाँ पर पाउडर और 125 ग्राम यहाँ पर लिया है मैंने नारियल का बुरादा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भारी तली के बर्तन में दूध को चढ़ा लेते हैं और इसको हमें चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आए। फ्लेम हमें फुल रखनी है। जब इसमें उबाल आ जाए तो हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हम ट्रे में घी लगा लेते हैं। ट्रे पर मैंने घी लगा लिया है। अब हम इसको रख देते हैं एक तरफ और देखते हैं हमारा दूध कैसा हुआ है। तो ये देखिए, एक हिस्सा हमारे दूध का कट चुका है, यानी जब 2 हिस्से हमारे दूध के रह जाएं तो उसमें हमें ये चीनी ऐड कर देनी है और फ्लेम कर देनी है हमें स्लो बिल्कुल, और इसको हमें चलाते रहना है इस तरीके से जैसे कि मैं चला रही हूँ, जब तक कि हमारी चीनी इसमें पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट होने के बाद हमें 10 से 15 मिनट तक फुल फ्लेम पर इसको पकाना है और जब ये अच्छे से पक जाए, ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा रहेगा, ये खिंचने लगेगी, हमें इसको उतार लेना है। ये देखिए इसका टेक्सचर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और ऐसा होने के बाद इसको नीचे उतार कर हमें इसमें जो नारियल का बुरादा है 125 ग्राम वो हमें इसमें डालना है और ऐसे ही इसको घुमाते रहना है अच्छे से। हम इसको जितने अच्छे से स्मूथली इसको घुमाएंगे, हमारी जो मिठाई है वो इतनी ही सॉफ्ट बनेगी। तो धीरे धीरे करके मैंने इसमें 125 ग्राम नारियल का बुरादा जो है डाल दिया है। नारियल का बुरादा डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से फेंट दिया है। जितना हम इसको फेंटेंगे ये मिठाई उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। यहीं पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है इलायची पाउडर और अब हम इसको अपने जिस बर्तन में हमने ग्रीसिंग करके रखी है घी की, उसमें हम इसको पलट देंगे। ऊपर गार्निशिंग के लिए हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता बारीक बारीक काट के रखे हुए थे 2 बड़े चम्मच, जो मैंने इसके ऊपर अच्छे से डाल दिया है। और ये देखिए कितनी टेस्टी मिठाई हमारी तैयार हुई है बनकर। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ आधा घंटे में तैयार होने वाली मिठाई है। इसको आप इंस्टेंटली कभी भी बना सकते हैं, किसी भी ओकेज़न पर आप इसको बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, एंजॉय कीजिए स्वीट का। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी और सावन के महीने में आप व्रत वगैरह करेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट लेंगे बनाकर। और आशा करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं शालू चौधरी फिर से आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।